I born in Islamabad. Islamabad is my native city. और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 फ़रवरी. मैंने अपना मैट्रिकुलेशन सी बी कॉलेज से किया एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी वहीं से किया. नाउ आई एम डूइंग माई थर्ड ईयर. बट पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊँ कि आई फील लाइक आई बॉर्न टू बिकम एन एक्ट्रेस, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करना. फिल्मी अदाकारा वीना मलिक से मिलने फार्म हाउस पर पहुंचे. वो अभी सो कर उठी ही थी. हेलो मिस्टर सुरेश, आप तो बहुत फॉर्चून लगे. कैसे आप? सुबह उठकर सबसे पहले मेकअप करती हैं या कुछ और? डू यू थिंक कि मैंने मेकअप किया है? नो मेकअप. सबसे पहले सुबह उठ के मैं प्रे करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और कुरान पाक पढ़ती हूँ. फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं अपनी शूटिंग पे जाती हूँ. क्या वाकई फिल्मी अदाकाराओं की रातें जागती और दिन सोते हैं? अक्सर जो हमारी फिल्म का शूटिंग का शेड्यूल होता है वो लेट नाइट्स में होता है. लाइक सपोज अगर हमारी शिफ्ट रात में 9 बजे अगर हम शूटिंग करना शुरू होते हैं तो रात के 3 बजे तक हम पैकअप करते हैं. तो उसके अलावा भी चूँकि रूटीन इस तरह से बन जाती है तो फिर जिन जिन नाइट्स में हमारा काम नहीं होता, वी जस्ट कांट स्लीप, हम फिर उस टाइम पे सोना नहीं आता बिकॉज एक रूटीन सी बन जाती है. लेकिन जब मेरे डेज में शूटिंग्स हो रही होती हैं तब मैं अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हूँ. बट दैट्स ट्रू, आई थिंक नॉर्मल लाइफ से स्टार्स की लाइफ बहुत फ़र्क अपोजिट होती है. तासुर तो यह है कि फिल्मी अदाकाराएँ मेकअप के बगैर हुसैन नहीं लगती. हाँ ट्रस्ट मी, नॉर्मल लाइफ में आई रियली हेट पुटिंग मेकअप ऑन माई फेस. और सब लोग मुझे कहते हैं कि आप suppose if I go to the embassy for the visa and if I really go out with my friends, I really don't like makeup. तो मैं makeup नहीं करती. और सब मुझे friends कहते हैं कि you're so simple. और sometimes तो मेरे fans मेरे पास आते हैं कहते हैं आप वीना मलिक हैं, आप वीना मलिक की sister हैं, because without makeup you look very different and you look innocent. मैं समझती हूँ कि makeup लगा के आपके अंदर और maturity आ जाती है, कुछ artificial सी चीज़ आ जाती है. तो otherwise I don't like makeup, but of course फिल्म में टीवी में यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्लैमरस, और ग्लैमर बिना मेकअप के नहीं आता. आप तो इतनी नौजवान लगती हैं, आपको दूसरी अदाकाराओं की तरह अपनी उम्र छुपाने की क्या ज़रूरत है? व्हाट डू यू मीन अदाकाराएं? सारी औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं, बट आई कैन टेल यू आई एम 19 ईयर्स ओल्ड. एंड उम्र छुपाना एज सच मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़ास चीज़ होती है, बिकॉज जितने आप नज़र आ रहे होते हैं आप उतने ही साल के होते हैं. आई एम 19 बट आई फील लाइक आई एम मोर देन 25, 26, बिकॉज मैं खुद के अपने अंदर मेच्योरिटी फील करती हूँ. तो आई थिंक इट्स ऑल, आप जैसे नज़र आते हैं बस उतने साल के होते हैं. बट उम्र सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं छुपाती हैं, सब औरतें छुपाती हैं. हर औरत की तरह आप भी शॉपिंग की शौकीन तो होंगी, शॉपिंग कहाँ से करती हैं? पर्सनली आई लव दुबई फॉर शॉपिंग, I love Thailand for shopping, Bangkok, that's beautiful, और Europe. इन तीन जगहों से मैं shopping करती हूँ, but और भी बहुत सारी जगहों का मैंने सुना है कि वहाँ shopping बहुत अच्छी होती है. I love shopping, मुझे shopping करना बहुत अच्छा लगता. आप शायद लाहौर में तो अकेली ही रहती हैं, आपके ख़ानदान के बाकी लोग कहाँ हैं? My parents and my brother and sisters, they live in Islamabad. जो मैं अपनी life में सबसे ज़्यादा चीज़ miss करती हूँ ना, वो मेरी family है. I'm the only one जो कि सिर्फ just for the showbiz purpose I'm here, but I really miss them so much. I wish मैं उनके साथ होती हर time. घर वालों ने फिल्मी लाइन इख्तियार करने पर मुखालफत तो की होगी? उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरा showbiz करना. लेकिन जब मैंने start किया, जब मैंने पहला commercial किया वो खावर रियाज के through किया, या he's a top fashion photographer. तो उन्होंने फिर मेरी family से बात की और मेरे अब्बू को समझाया कि सिर्फ एक ad इसको करने दें. फिर मैंने एक कमर्शियल किया, उस एक कमर्शियल से मुझे फिल्म की ऑफ़र आ गई. और फिर मैंने अपने अब्बू को कहा कि प्लीज़ एक फिल्म करने दे, फिर नहीं करूँगी. और फिर जब मैंने ये किया और मेरी फिल्म बहुत सुपर सक्सेस मिली उसको, तो फिर मेरे फादर ने कहा कि आई थिंक यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द शोबिज, तो आई वॉन्ट स्टॉप यू. आई लव माई फादर सो मच, ही इज सो ग्रेट एंड काइंड. नमाज अदा की, क्या गीले कपड़ों के साथ बारिश के मनाजर
किसी फिल्म की कामयाबी में कोई किरदार अदा करते हैं? अगर वल्गैरिटी या गीले कपड़ों में ही डांस करना, हाँ सिचुएशन के हिसाब से अगर बारिश हो रही है और एक कैरेक्टर गाना गा रहा है तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन ज़बरदस्ती किसी कैरेक्टर को कोई सिचुएशन बनाना गाने की और फिर उसको एक डिफरेंट वल्गर अंदाज में लोगों के सामने पेश करना, दैट इज़ पथेटिक। देखिए अगर सिर्फ वल्गैरिटी पे फिल्में चलती होती तो ईरानियन फिल्म्स कभी भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ना जाती। तो उरियानी और फहाशी इज़ ये कोई साइन नहीं है, ये कोई ज़रूरी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसके बिना कोई फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो। आपकी नज़र में फहाशी की क्या हदूदोकयूद होनी चाहिए? देखें हर मुल्क की और हर मज़हब की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। जैसे वी आर मुस्लिम्स, हम लोगों की जो लिमिटेशंस हैं और जो भी हमारी सेंसर पॉलिसीज़ हैं, मुझसे कभी भी पूछते हैं कि आप सेंसर पॉलिसीज से खुश हैं तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी हदें हमें पता हैं। और पड़ोसी मुल्क की अगर आप बात करते तो उनके मज़हब में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, उनके मज़हब में डांस और ये सब चीज़ें शामिल हैं तो वो कर सकते हैं, बट वी आर मुस्लिम्स। हर इंसान को अपना दायराकार देखना चाहिए, हर इंसान को अपनी लिमिटेशंस देखनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं हमें पता है। बहुत से मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक तो पाकिस्तान में रक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रक्स जो है वो किसी तरह फहाशी या वल्गैरिटी की हद में नहीं आता है। रक्स तो एक आर्ट है, जिस तरह बाकी सब आर्ट हैं, जिस तरह हम एक्टिंग करते हैं, मैं एक्ट्रेस हूँ, इसी तरह रक्स करना भी और उसके रमूज सीखना भी ये एक आर्ट है। इसको किसी भी सूरत आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि हमारे यहाँ इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैं तो समझती हूँ होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि फिल्मी अदाकाराएँ हकीकत से बहुत दूर ज़िंदगी गुजारती हैं, क्या इनकी ज़िंदगी पाकिस्तानी सकाफत से मुताबकत रखती है? हालांकि मैं थोड़ी घबरा रही होती हूँ कि आई एम एन एक्ट्रेस, लोग क्या सोचेंगे, मैं स्लीवलेस पहन के जाऊँगी मार्केट में, जब मार्केट में जाओ तो मेरे जैसी लड़कियाँ स्लीवलेस शॉर्ट ब्लाउजेस पहन के, जीन्स पहन के आम मार्केट्स में फिर रही होती हैं। तो मैं अपने आप को हमेशा मार्केट्स में जाती हूँ या घूमती फिरती हूँ तो अपने आप को दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर कर रही होती हूँ कि हम किस तरह से डिफरेंट हैं। तो मैं बाकी एक्ट्रेसेस का नहीं, मैं अपना आपको बता सकती हूँ कि आई एम वेरी मच लाइक ऑल अदर गर्ल्स, सो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ बहुत डिफरेंट हम लोग बिहेव करते हैं, बहुत डिफरेंट आउटफिट्स पहनते हैं, इट्स नथिंग लाइक। फार्म हाउस के लान में चहलकदमी की, शाम के रोमानवी माहौल में क्या आप ये एतराफ़ करेंगी कि फिल्मी अदाकाराओं के बयक वक्त कई रोमांस चल रहे होते हैं? ओह माय गॉड, क्या फिल्मी जो अदाकाराएं होती हैं वो क्या एलियंस होती हैं, वी आर नॉर्मल पीपल, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट, लेकिन मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि आई थिंक रोमांटिक होना और ब्यूटी को अप्रिशिएट करना और अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना हर इंसान की नेचर में होता है, लेकिन आई रियली डोंट एग्री विद यू कि फिल्मी एक्ट्रेसेस के एक टाइम में ढेर सारे रोमांस मेरे चल रहे होंगे, नो नॉट लाइक दैट। तो क्या बयाक वक्त एक से ज्यादा रोमांस नहीं चलता? आई डोंट नो, रोमांस चलता होगा। देखें आप एक टाइम में एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ओके, या आप बहुत ज़्यादा अपने टाइम के काम के साथ कमिटेड हो सकते हैं, या आप अपनी फैमिली लाइफ के साथ कमिटेड हो सकते हैं, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कमिटेड हो सकते हैं। आई थिंक शोबिज इज़ अ फुल टाइम जॉब, ट्रस्ट मी, सिंस आई स्टार्टेड दिस शोबिज, मैंने अपना स्कूल कॉलेज से जब मैं डाइवर्ट हुई शोबिज की तरफ तो ट्रस्ट मी मेरे पास अपनी स्टडीज़ के लिए भी टाइम नहीं बचता था। और अगर आप रोमांस की, इफ यू आर रियली टॉकिंग अबाउट रोमांस, माय वर्क इज़ माय रोमांस, आई लव माय। का आइडियल मर्द कौन है? माय आइडियल इज़ माय फादर, आई लव हिम सो मच, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। माई फादर इज़ एन एक्स आर्मी ऑफिसर, ही इज़ टॉल, ही इज़ हैंडसम, ही इज़ गुड लुकिंग, इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ सच अ लविंग फादर एंड ही इज़ सच अ लविंग पर्सन। अकेली हों तो कौन सा गाना गुनगुनाती हैं? मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, आई जस्ट कांट सिंग, बट ओ मेरे साथ निभाना करके वादा भूल न जाना,
कैसी ये दिल की लगन होती है मीठी चुभन. आई लव दिस सॉन्ग. वैसे मुझे गुनगुनाना बिल्कुल नहीं आता. आई एम वेरी बैड इन इट. वो रवायती वर्जिश की बजाय योगा से अपने आप को फिट रखती है. उन्हें मुताले का शौक भी है. इसको पढ़ेंगे आप? और मैं अपनी मेल फैज इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है. दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ. यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फिराक. ढल गया हिजर का दिन आ भी गई विसल की रात. ब्यूटीफुल. क्या अदाकाराओं की अदब में दिलचस्पी फैशन है या हकीकत? मुझे अमृता प्रीतम पसंद है, मंटो पसंद है, फैज, फराज, वाजता तबस्सुम, बानो कुदसिया, बहुत ज़्यादा उनको मैं पढ़ती हूँ, शैले, जॉन कीट्स, सिडनी शेल्डन. अगर आप अदब के हिसाब से बात करें कि इसमें फ़ैशन का कोई अमल दखल है, तो देखिए फैशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उसको थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट करते हैं जस्ट टू टेल द पीपल दैट आई एम वेरी मच इनटू इट. लेकिन जहाँ तक मेरे पढ़ने का ताल्लुक है इन पोइट्स को और इन राइटर्स को, और मेरे पास बुक्स की इतनी कलेक्शन है कि जब मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आते हैं तो कहते हैं तुम लगता नहीं कि तुम एक्ट्रेस हो, मैं लगता तुम यू आर गोइंग टू बी अ राइटर और अ पोएट और समथिंग. शैले की इनकलाबी रोमानियत पसंद है या कीट्स की रोमानवी हसासियत? देखिए इन दोनों शायरों में जो एक चीज़ कॉमन है वो इनका रोमांस को एक इस तरह से इन लोगों ने अपनी शायरी में बहुत हसास तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है. इसीलिए मुझे दोनों शायरों के बीच में जो एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और शायरी तो आप किसी की भी देख लें, उर्दू शायरों को देख लें, जितने भी फेमस और जितने भी बड़े शायर हैं, फराज़ को देख लें, फैज़ की शायरी में देख लें, तो एक रोमानवियत और हसासियत तो किसी भी आर्टिस्ट की एक बेसिक जो है वो खसूसियत होती है, खासियत. क्या कभी खुद भी शायरी की है? शायरी करने की ना मैंने कभी कोशिश की है और ना ही मैंने कभी समझा है कि मैं शायरी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायरी खुद से नहीं हो सकती. कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं शायर बन जाऊँ और मैं शायर बन जाऊँ, तो ये तो खुदा की तरफ से दी हुई एक सलाहियत है. शायरों को एक आमद आती है और वो लिखते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक चीज़ आती है उनके दिमाग में और वो लिख लेते हैं. कॉलिंग के लिए सिल्वर स्टार पहुंचे. अपार्टमेंट पहुंची. आपका असली नाम क्या है? क्या आपने भी किसी ज्योतिषी के मशवरे से फिल्मी नाम रखा था? बिल्कुल भी नहीं. मेरा असली नाम जाहिदा मलिक है और मेरा ये नाम मेरी दादी अम्मा ने रखा था और आई लव दिस नेम. तो बिफोर आई साइन ये दिल आपका हुआ, तो एक दिन मैं नॉवल पढ़ रही थी, आई जस्ट कांट रिकॉल द नेम राइट नाउ. उसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था वीणा. इस नाम ने मुझे इतना क्लिक किया कि इससे पहले मैं सिर्फ एक ऐड करी थी,
आई डोंट नो, लोग कहते रहते हैं कि पर्सनालिटीज़ पे और अपने प्रोफेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है नाम का, लेकिन मैंने वाकई फ़ील किया था कि उसके बाद से सडनली आई बिकम हिट। आपने आगाज़ तो नात खानी से किया, फिर कंपेयरिंग करते करते फिल्मी दुनिया में आ गई। इतने मुतजाद रंग बदलना काफ़ी मुश्किल नहीं? जी बिल्कुल, मैंने अपना स्टार्ट जो है नात, किरत कॉम्पिटिशन, इंग्लिश डिबेट्स, उर्दू डिबेट्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स इवन, आई थिंक स्कूल कॉलेज में शायद ही कोई एक्टिविटी थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी, और उसके बावजूद आई वॉज़ अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, बल्कि मैं कहूँगी कि आई वॉज एन एक्सलेंट स्टूडेंट, और मैंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आई थिंक एडिक्शन जिसको कह सकते हैं, दैट इज़ सिल्वर स्क्रीन। सिल्वर स्क्रीन ये दिल आपका हुआ करने के बाद, व्हेन आई सॉ माई सेल्फ ऑन द सिल्वर स्क्रीन, दैट वॉज अ ड्रीम। और उसके बाद से जस्ट मुझे कुछ ऐसा फील होना शुरू हो गया कि दैट इज़ द लिमिट। हॉलीवुड और बॉलीवुड की टॉप अदाकाराएं करोड़ों कमाती हैं, लॉलीवुड की अदाकारा अंदाजन कितना कमा लेती है? लॉलीवुड की अदाकाराएं अगर करोड़ों नहीं कमाती हैं तो लाखों ज़रूर ही कमा लेती हैं। हमारी इंडस्ट्री हम लोगों को इतना ज़रूर पे करती है। अगर देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारा कोई कंपैरिजन हॉलीवुड या बॉलीवुड के साथ नहीं है। वाई? बिकॉज जितना आपका सर्कल होता है आपको उससे उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। नाउ आई चार्ज 4 to 5 lakhs फॉर वन फिल्म, जब से मेरी फिल्म क्यों तुमसे इतना प्यार है हिट हुई है, तो आई थिंक आई एम मोर देन हैप्पी। वट एवर आई एम अर्निंग फिल्म से, मॉडलिंग से, टीवी से, आई एम मोर देन हैप्पी। आम तासुर है कि फिल्मी अदाकाराओं का मायारे ज़िंदगी फिल्मों में मिलने वाले मुआवजे से कहीं ज़्यादा और ऊंचा है, ये बात सही है? ये ठीक है कि हमें फिल्मों से इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं मिलता है। 4 to 5 lakhs फॉर वन फिल्म इज़ नथिंग। लेकिन आप ये देखें कि इफ़ आई एम अ फिल्म एक्ट्रेस, आई एम अ सेलिब्रिटी, अगर मुझे कोई फैशन के लिए, अपनी प्रोजेक्ट के लिए लेता है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से मिलते हैं मॉडलिंग में। सो फिल्म इज़ नॉट द ओनली मीडिया वेर आई एम वर्किंग। आई एम इन टू मॉडलिंग, आई एम इन टू टीवी, आई एम इन टू शोज़, I'm doing all international shows and I'm getting 8 to 10 lakhs per month. That is more than okay. आपके मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको पहली बार शोहरत इंटरनेट पर आपकी फोश तस्वीर आने के बाद मिली। That is all fake because मैं ये समझती हूँ कि जो genuine और facts होते हैं, they remain forever, वो हमेशा रहते हैं, और जो false और झूठ और गलत चीज़ें होती हैं वो कभी भी ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करती हैं। लिहाजा माय दैट स्कैंडल इज़ नो मोर नो वेयर। फिल्मी अदाकाराओं की कशिश हर किसी को खींचती है, अब तक कितने लोग आपसे इजहार मोहब्बत कर चुके हैं? मुझे जिन लोगों ने भी कहा है कि आई लव यू एंड आई गोना डाई विदाउट यू और वट एवर, आई नेवर पेड नो अटेंशन, और आई जस्ट, मैं रिकॉल भी नहीं कर सकती और मुझे याद भी नहीं है कि किसने मुझे आई लव यू कहा और कितने लोगों ने कहा। देयर आर सो मैनी।